Good morning, children. So now we'll begin today the third chapter of your book, that is playing with numbers. इससे पहले कि हम शुरू करें एक छोटी सी एक्टिविटी और उससे पहले एक और इंस्ट्रक्शन, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहाँ पे ये सब लिखा होता है सब्जेक्ट क्लास टॉपिक नेम, इसके यहाँ पे इस जगह पे नीचे एक लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का. वो मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि प्लीज उसको भरिएगा. जिन बच्चों को उसको फिल करने में दिक्कत आ रही है अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन उसको भरना जरूर है. वो आपकी अटेंडेंस है और मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचर से भी कि वो भी जो जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ते हैं बच्चों को एनकरेज करने के लिए, वो भी प्लीज इस फॉर्म को भर दें. अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स. एक छोटी सी पहले गेम खेलते हैं. जनरली तो हम लोग ये वाली जो गेम है जो मार्बल्स होते हैं जिसको बंटे बोलते हो कंचे बोलते हो उससे खेलते हैं, लेकिन आज हम बोर्ड पे खेल खेलेंगे. मेरे पास ना 6 मार्बल्स हैं, 6 है. मेरे को इनको रोज में अरेंज करना बेटे. रोज कैसे होती है? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस. कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस और रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस. मुझे इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज करना है ताकि हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स होए. जैसे अभी हर लाइन में कितने हैं? 1. अब इसको किसी और तरीके से अरेंज करते हैं. अब दो दो करके देखते हैं कितने सेम सेम आते हैं. ये आ गए ना सेम सेम. तो यहां पे हर रो में कितने थे? 1. और कितनी है हमारे पास टोटल रोज? कितनी थी? 6. यहां पे हर रो में कितने हैं? 2. और टोटल रोज कितनी है मेरे पास? 1, 2, 3. ठीक है, एक और तरीके से अरेंज करके देखते हैं. अब मेरे पास हर रो में कितने मार्बल्स हैं? 3. और रोज कितनी है? अब आप 4 करके देखो, 4 मार्बल्स अरेंज करके देखते हैं आप. ठीक है, मैंने एक रो में 4 डाल दिए तो दूसरे में कितने आएंगे? तो क्या सेटिंग बन रही है? नहीं बन रही. तो हमारी जो मार्बल्स को अरेंज करने की सेटिंग है वो यहाँ इस 3 तरीकों से बन रही है. किसी और चौथे तरीके से सोचो. मैं आपको 1 मिनट देती हूँ कि किसी और तरीके से बनती है. आपका ट्राई करके देखो. गुड मॉर्निंग लवेजा, आयुष, आरफ. चित्रा मैम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सिया बेटा. आर्यन गुड मॉर्निंग. आंसर मिलना शुरू हो जाना चाहिए कि किसी और तरीके से हो रहा है. कोई और हो सकता है? 2 भी हो सकता है. 2 तो हमने ले लिया. और कुछ सोचो. एक आंसर आया मेरे पास, 9. मिलन गुड मॉर्निंग. भावना ने भी आंसर दिया 9. पूनम गिरी ने भी आंसर दिया 9. शर्मिला ने आंसर दिया 6. दैट्स गुड, एक्सेलेंट. दिस इज व्हाट आई वांटेड. ध्यान से देखना. ये देखो मेरे पास कितनी रो है? 1 रो है और उसमें नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 6. तो एक और कॉम्बिनेशन बन गया. तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस हैं. 1, 2, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन. 1, 2, 3, 4. तो हम लोग 4 डिफरेंट वे से इसको अरेंज कर सकते हैं. हमारे पास और कोई 5th वे नहीं है इसको अरेंज करने का. तो आपने देखा हमने अलग 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 तरीके से अरेंज किया. ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से इसको देख लीजिए. जस्ट आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स एंड देन विल मूव ऑन क्विकली.
बेटा एक और इन्फॉर्मेशन है कि अभी आपकी हॉलीडेज समर वेकेशन शुरू हो गई है, तो अभी सब बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है क्लास में आना। अगर आप नहीं भी आना चाहो तो आपकी चॉइस है। ये वाले जो जितने भी लेसन हैं, ये जितने वीडियोस हैं, ये फेसबुक के इस पेज पे अपना केवीएस जूनियर केवीएस आरओ डेली लाइफ जूनियर पे सेव रहेंगे, तो आपका जब भी बाद में मन करे आप आके देख सकते हो। तो बेटा अभी हमने देखा कि सेक्स को अलग 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 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ बेसिकली सेक्स क्या हो रहा है, हम सेक्स को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर भी सिक्स आएगा। टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो तब भी सिक्स आएगा, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो तब भी सिक्स आएगा, और सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करो तब भी सिक्स आएगा। सो आई कैन राइट सिक्स इन फोर डिफरेंट वेज बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स by representing 6 with two numbers। ये चीज समझ में आई? तो ये जो यहाँ पे हमने 3 2 किया, 2 3 किया, 1 6, ये सारे इससे exactly क्या हो रहे हैं, ये इसके इनको क्या बोलेंगे, एक वर्ड होता है इनके लिए, इनको हम बोलेंगे कि ये 6 के फैक्टर्स हैं। ये देखिए मैं लिख रही हूं यहाँ पे 1 2 3 और 6 आर द फैक्टर्स। इनका एक नाम दे दिया हमने, नाम तो देंगे ना सबको, तो इसका नाम दे दिया फैक्टर्स ऑफ सिक्स। ये क्लियर हुआ आपको? हमने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका नाम रख दिया फैक्टर्स। और ये यहाँ पे देखो, ये सब ये सिक्स को मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये 1 2 3 और 6 These are the factors of 6। तो एक नया हमारे लिए एक मैथमेटिकल वर्ड आया, फैक्टर्स। अब आपको पता चल गया फैक्टर्स क्या है, कोई बहुत बड़ी तोप या कोई एलियन नहीं है, हमें पता चल गया फैक्टर्स क्या है। हमने ये एक्टिविटी करी, उससे हमें क्लियर हो गया। अब बेटा हम फैक्टर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपके बुक में है, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। आ जाइए पेज नंबर 47 पे, बीच में लिखा हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जहां पे लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके नीचे एक डेफिनेशन है, जहां गेम वन लिखा हुआ है ना उसके ऊपर की सेकेंड लाइन। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, जिन बच्चों के पास बुक है वो अंडरलाइन कर लीजिए, बाकियों के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अभी भी जिनको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? हम 4 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, उसे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं या उससे छोटे या उसके बराबर वाले से? वेरी गुड। या तो नंबर जिसे डिवाइड करते हैं वो छोटा होता है, या वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो अब 4 से सबसे छोटा नंबर कौन है? 1। हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 4 4, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। हमारी डेफिनेशन में यही है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर का मतलब क्या हुआ, मैं यहां लिख देती हूं।
इसका मतलब क्या है? दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो. हाँ, हरदम रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा. हमने वन से ट्राई किया, वन के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? टू. हम टू से ट्राई करते हैं. टू टू जा फोर, फिर से मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो. इसका मतलब ये भी डिविजिबल हो गया, ये डिवाइड हो गया इसपे. अब हम देखते हैं थ्री से, थ्री से अगर हम फोर को डिवाइड करते हैं तो जाएगा? लेट्स चेक. थ्री वन जा थ्री, ये तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया, तो ये तो गड़बड़ है. ठीक है, नेक्स्ट थ्री के बाद ट्राई करते हैं फोर. फोर वन जा फोर, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया. तो इसका मतलब ये तीनों केसेस में ये एग्जैक्ट डिवाइजर है. तो कौन कौन से नंबर हो गए हमारे एग्जैक्ट डिवाइजर? वन टू और फोर. तो फोर के केस में उसके एग्जैक्ट डिवाइजर्स कौन कौन से हो गए? वन टू और फोर. और हम इनको क्या बोल देंगे? इनका नाम अभी अभी रख के हटे हैं. कहां गया इनका नाम? फैक्टर. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फोर. बेटा मैंने अभी तक दो एक्टिविटीज आपको कराई हैं, दोनों के दोनों आपकी बुक के अंदर हैं. मैं वही एक्टिविटीज पिक कर रही हूँ जो आपकी बुक के अंदर हुए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो ना समझने में ना उन एक्टिविटीज को ट्राई करने में. तो अब हमें डेफिनेशन क्लियर होगी. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, और आपको पता भी चल गया फैक्टर निकालते कैसे. ठीक है, नाउ यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स क्विकली. और इसमें एक पॉइंट और लिख देना है, द फैक्टर ऑफ द नंबर इज ईदर इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर. ये पॉइंट भी ऐड कर दीजिए साथ में यहां पे. है ना, हमने यही सीखा है ना अभी, फोर से करके देखा डिवाइड. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. बड़ा नहीं होगा कभी भी, हरदम याद रखना ये बात. जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हरदम उससे छोटे नंबर से या उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, हरदम ये दिमाग में इसको पैक कर लो, अच्छे से फिक्स कर लो इसको अपने हेड में. अब देखो बेटा, मैं इनका अरेंजमेंट कर, इनको कैसे लिखेंगे यार? मेरे को फोर के बराबर लिखना है. वन इंटू टू इज इक्वल टू फोर, वन इंटू फोर इज इक्वल टू फोर, ऐसे लिखेंगे ना. ठीक है, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, वन इंटू फोर और फोर इंटू वन. कोई और वे है रिप्रेजेंट करने का? नहीं. तो ये जो नंबर्स हैं टू मल्टीप्लाइड बाय टू, इनको क्या बोलते हैं? अभी हम करके हटे, फैक्टर्स हैं ये. इन दोनों नंबर्स को क्या बोलेंगे? फैक्टर्स. और ये वाले जो भाई साहब है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना आंसर, तो इसका नाम रख दिया मल्टीपल. ऐसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना नए नए वर्ड से, उसको हरदम याद रखना ये मल्टीप्लाई करके आया, इसका नाम मल्टीपल रख दिया. ये दोनों, हम इन दोनों को ब्रेक करके लिख रहे, तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए. तो ये क्लियर हुआ. अब आगे चलते हैं, फैक्टर भी क्लियर हो गया, मल्टीपल क्या होता है वो भी क्लियर हो गया. पिछले चैप्टर में भी हम वन के बारे में करके हटे थे कि वन को जब भी किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो नंबर इटसेल्फ रह जाता है, वही नंबर रह जाता है, चेंज नहीं होता. तो
तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो 10 है, 100 है, 1000 है, कोई भी नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा ना. तो जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, आएगा रिमाइंडर 0. तो इसका मतलब 1 जो है वो सबका फैक्टर है, सभी का, जितने भी नंबर है उन सबका फैक्टर है 1. ये आप मतलब दिमाग में सेट कर लो. मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 49, उसके ऊपर थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है फोर्थ लाइन पे, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. चाहे बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, मैं यहां पे भी लिख दूंगी. पहली स्टेटमेंट आगे, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं. आप ही की बुक में है, इसके बाद दो लाइन छोड़ के. अब हमने ये भी देखा है कि जो खुद नंबर है, जैसे 4 है, वो अपने अपने ऊपर जाएगा ही, डिवाइड होएगा ही होएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा. जितना मर्जी बड़ा नंबर होए, वो अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा. तो मेरा सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ये आपकी जो बुक की एग्जैक्ट लैंग्वेज है, मैं वही लिख रही हूँ, उसको चेंज नहीं कर रही. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. थर्ड रूल पे चलते हैं, फिर दो लाइन छोड़ के है. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. ये भी करके हटे हम. जब भी किसी फैक्टर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे वो एग्जैक्ट डिवाइड होएगा, रिमाइंडर हरदम 0 आएगा. हमने चेक भी कर लिया ये बात. नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. फाइव लाइंस छोड़ के इसके बाद, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि उनको काउंट कर सकते हैं. अभी हमने 6 के फैक्टर्स निकाले थे तो फाइनाइट थे ना, ऐसा तो नहीं कि और बहुत सारे निकल रहे थे. हमने देखा कि कुछ निकले उसके बाद बंद हो गए, उतने ही निकलते हैं. 4 के फैक्टर्स निकाले, वो भी कुछ निकले उसके बाद बंद हो गए. ऐसा नहीं कि ये चलते जा रहे हैं, फैक्टर्स निकलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसा हो रहा है क्या? तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सको, और इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये क्लियर हो गया. तो ये आपका डेफिनेशन है आपके बुक में, ये रूल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. और समझ भी आ रहा है ना कि फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, कि हम उसे काउंट कर सकते हैं, इतने ही आते हैं, ऐसे नहीं आते कि बहुत सारे हैं पर खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. मल्टीपल क्या था जो इस साइड पे मल्टीप्लाई करके आता है, फैक्टर का उल्टा था. फैक्टर इज इधर इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर, बट एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. मल्टीपल समझ आया? जैसे मैंने यहां पे लिखा ये मेरा मल्टीपल है, तो क्या तो ये नंबर के बराबर है, ये नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा. लेकिन जो फैक्टर होता है वो यहां नंबर के बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा, ये एक डिफरेंस है मल्टीपल और फैक्टर में. मान लो आपको 1 मार्क में या मल्टीपल चॉइस में कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मल्टीपल एंड अ फैक्टर, तो क्या डिफरेंस है कि जो फैक्टर है दैट इज इधर लेस देन और इक्वल टू द नंबर,
बट मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. समझ आ गया? देखा, कहीं से भी हमें क्वेश्चन डाल दे कोई भी पेपर में, हम कहीं से भी कर देंगे. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. एक और डिफरेंस, ये क्या था? फाइनाइट था हमारे पास. ये इनफाइनाइट है, ये मतलब बंद नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा. ये जितने मर्जी नंबर बड़ा, तो कितने मर्जी नंबर निकाल लो ना, जितने कितने सारे नंबर है हमारे पास, खत्म ही नहीं होगी कभी काउंटिंग. ना काउंटिंग खत्म होगी, ना हमारे पास मल्टीपल्स खत्म होंगे. अब जैसे आपको मल्टीपल्स का एक और एग्जांपल समझाती हूँ. जैसे हम टेबल्स बोलते हैं, 2 का टेबल, 10 का टेबल. आप 2 का टेबल बोलो कि 2 10s are 20 के बाद खत्म हो जाता है टेबल. 2 11s are 2 12s are 2 20s are, काउंटिंग तो कभी खत्म ही नहीं होगी. तो इसी तरीके से कभी मल्टीपल्स खत्म नहीं होते हैं. Some of the students inquiring about page number. Okay, page number 49. I will write it here. Page number 49 पे है, बोल्ड लेटर्स में ना, हर जो रूल है उसको बोल्ड लेटर्स में दिया. आप सबको अंडरलाइन कर लेना बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका लिखने का काम जितना बच जाए आपके पास बुक में रहेगा, आप उसको अंडरलाइन करते रहो. पेज नंबर 49 पे है ये जितने भी हमने डिस्कस करे हैं. अब आगे करते हैं. ये तो आएगा ही आएगा. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. अपने ऊपर तो अपने साथ अप 1 into that number, तो मल्टीपल तो रहा ना, खुद का मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा. ये क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लीजिए. आई एम गिविंग यू 1 minute, देन वील प्रोसीड फर्दर. जिन बच्चों के पास बुक है वो अंडरलाइन कर लो, नोट करने की फिर लिखने की जरूरत नहीं है. बेटे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, किसी बच्चे ने अभी बोला है, वो फाइनाइट ही होगा. नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे टेबल है, 2 का मल्टीप्लिकेशन का टेबल है, 3 का है, वो कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है. हाँ, ये कॉपी में लिखना है बेटा, जितना मैं कराती हूँ ये सारा कॉपी में लिखना है बच्चे. वापस से हम अपने प्यारे वाले 6 के पास आते हैं, जिससे हमने सारी जर्नी स्टार्ट की. इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3 एंड द नंबर इटसेल्फ, यही है. ये इसके 4 फैक्टर्स है हमारे पास. हम इन चारों फैक्टर्स को ना ऐड कर लेते हैं.
मैंने इनको ऐड करा, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 6 क्या आ गया 12. बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो 12 है अगर मैं 6 के साथ कंपेयर करूं तो ये किसके बराबर है, 12. 12 इज इक्वल टू 2 times द नंबर. तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो सम ऑफ फैक्टर्स है दिस इज इक्वल टू 2 times यस सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 times द नंबर. ये हर बार ही नहीं आएगा, ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं. तो ये जो नंबर है इसको फिर हम क्या बोल देते हैं, ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर. ये एक तरह का एक रूल है जिसमें सारे फैक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 2 times द नंबर. ऐसा ही एक और नंबर है 28, उसको आप चेक करोगे, मैं नहीं चेक करूंगी, दिस इज योर होमवर्क. 28 के फैक्टर्स बनाओगे फिर चेक करोगे कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है. इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1. चलो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1. इट सेज फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. 24 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं. अभी तक तो हमने वो डॉट्स वाले मेथड से किया था, अब हम इसको एक और तरीके से करते हैं. हमें इतना पता है कि 24 का एक फैक्टर तो पक्का है ही है, 1. 1 सबका फ्रेंड है. तो हमने लिखा 1 × 24. 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2. वेरी गुड. हम अब 2 लिखेंगे. बेटे मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 24 बन जाए, सोच के देखो जल्दी से और मुझे आंसर दो. 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास आंसर 24 बन जाए. सीमा कथुरिया 12. सीमा कथुरिया वेरी गुड, ब्रावो. 12 वेरी गुड. ऋतु गुप्ता वेरी गुड. तो हमने 2 को 12 से मल्टीप्लाई करा ताकि मेरे पास आंसर क्या बन जाए, 24. ललित प्रियंका सावित्री वेरी गुड. अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3. 3 को बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, फिर सोचो और आंसर दो जल्दी से. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास क्या बन जाए, 24. दीपिका सुमाना वेरी गुड, 12 आंसर दिया. दिनेश गुड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका, उसका आंसर देना अब. विनोद गुड, महेश गुड, खुशी गुड, हर्षित, उषा, साहू वेरी गुड, आयुष गुड, अगेन सीमा कथुरिया, विवेक, बेटे अभी टाइम ओवर नहीं हुआ क्लास एंड करने का, 8:45 के अराउंड हम क्लास खत्म करते हैं. सो सीमा एंड विवेकंदा हैज गिवन द फर्स्ट रिस्पॉन्सेज 8. वेरी गुड, वेल डन चिल्ड्रन. तो नेक्स्ट नंबर आ गया मेरे पास 8. अब हम 4 पे करते हैं, सेम चीज 4 पे करेंगे. 4 पे बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताना, लेकिन जल्दी से. 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा. 3 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, वेरी गुड. शिखा, सतीश गुड, आरके, विजय. बेटा 3-4 से नहीं होगा मल्टीप्लाई कबल जी, 3-8 से होगा तभी 24 बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं अपने पास. अब इसको देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है. नीतू सिंह
नीतू सिंह. व्हाट्स द आंसर? 6. वेरी गुड. उपेंद्र शैलेंद्र. 24 इज द परफेक्ट नंबर, चेक कीजिएगा. 28 सॉरी उपेंद्र. वेरी गुड, हमारे पास आंसर आ गया है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे. वेरी गुड. अब नेक्स्ट नंबर पे ट्राई करते हैं 5 पे. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आएगा? देखो 5 के टेबल में 24 कहीं आता है? आता ही नहीं है. 5 4 20 5 5 25, तो इससे तो हमारा काम नहीं बनेगा. मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, इससे नहीं बनेगा. अब 6 से करते हैं. लेकिन देखो यहाँ पे तो 6 पहले रिपीट हो गया, तो जहां पे नंबर रिपीट हो जाएगा वहां पे हम और फैक्टर्स बनाना बंद कर देंगे. वो हमारा सिग्नल है, वो हमारा वार्निंग साइन है कि अब फैक्टर्स बन गए, इससे आगे बनेंगे नहीं. क्योंकि 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 बनाने के लिए? 4 से. वो तो पहले आ चुका है, तो बार बार रिपीट तो कर नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब हम अपनी कहानी यही बंद कर देंगे, अपनी मशीन बंद कर देंगे यहीं पे फैक्टर्स बनाने की. तो इस 24 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए? ये वाले. तो मेरे पास 24 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, इधर से लिखना शुरू करेंगे. 1 2 3 4, ऐसे यू बनाना है, यू ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे प्रोसीड करना है. 1 2 3 4 6 8 12 अंदर नंबर इटसेल्फ भूलना नहीं है. तो ये अपने पास सारे फैक्टर्स बन गए. ये बहुत मजे वाला काम है, इसको याद रखना है कि हरदम यू की शेप में चलना है. ऐसे यहां से स्टार्ट किया फैक्टर्स लिखने और ऐसे गए, तो ये हमारे बन जाएंगे फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के. बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मल्टीपल का सीधा मतलब याद रखना टेबल्स. अब 5 का टेबल लिखना शुरू कर दो आप, वो तो आपको आता ही. 5 1 5 5 2 10, 5 3 15. बेटा और इन छुट्टियों में एक काम जरूर करना है, सब बच्चों ने टेबल्स को अच्छे से लर्न करना है कि तुम्हें 25 तक सारे टेबल्स आ जाए. टारगेट रखना है 25 तक का. 5 4 20, डॉजिंग की जैसे मैं बोलूं 5 7 5 8 5 2, ऐसे तुरंत आना चाहिए आंसर. तो मेरे पास इसके मल्टीपल्स क्या हो गए, 5 10 15 20 25. जैसे यहां पे मेरे ये फैक्टर्स थे, नोट कर लीजिए इसको. स्टूडेंट्स हैव डाउट रिगार्डिंग द हॉलीडे. बेटे आपके हॉलीडेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ये थोड़ा हॉलीडेज में भी हम लोग क्लासेस चला रहे हैं. अगर आपका मन करता है तो आप इस क्लास को ज्वाइन करो, अगर आपको नहीं मन करता तो आपकी मर्जी है. ये कोई फोर्स टू नहीं है कि आप ज्वाइन करना ही करना है. ये आपके पास ये जो वीडियोज है ये सेव्ड रहेंगे फेसबुक का, ये जो बना हुआ है इसके ऊपर, इस आईडी के ऊपर सेव्ड रहेंगे. आप कभी भी बाद में भी देख सकते हो. मान लो आपको लगता है कि इतनी क्लास अटेंड करके हम थक जाते हैं, हमें थोड़ा रिलैक्स करना है, तो आप बेशक 1 या 2 क्लासेस दिन में देख लो, या 3, जितना आपको, जितने के लिए आप कंफर्टेबल हो. बाकी तो वीडियो सेव्ड है, ये कभी भी देख सकते हो आप. थर्ड क्वेश्चन बेटा मैच द कॉलम है, इसको जल्दी से कर लेंगे. पहला है वो बोला मैच दिस कॉलम्स इन द सेकंड कॉलम. पहला नंबर है हमारे पास 35, तो 35 किसका मल्टीपल होगा? देखो किसके टेबल में जाता है, मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 के टेबल में 35 आता है? नहीं. मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में 35 आता है? 7 5 35. तो इसका मतलब जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. ऐसे सेकेंड का चेक करते हैं क्या आंसर होगा. सेकेंड है 15,
15 किसका? अब मल्टीपल या फैक्टर दो चीजें दे रखी हैं. 8 का मल्टीपल तो नहीं है 15, 7 का भी नहीं है, 70 का मल्टीपल है देखो वो भी नहीं है. तो अब फैक्टर्स का चेक करते हैं. फैक्टर ऑफ 30 है 15. 30 बनाने के लिए 15 इंटू 2 करते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया. सो सेकेंड का क्या आ जाएगा? डी. अब नेक्स्ट देखते हैं 16 किसका है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8. 8 का मल्टीपल है 8 2 16. 20 देखते हैं. 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20. अपने नंबर इटसेल्फ तो होता ही है ना, तो यहां पे आ जाएगा अपना F. इसके बाद फिफ्थ देखते हैं 25. इट इज अ फैक्टर ऑफ 50. अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. तो आपको 9 का टेबल शुरू कर देना है. 9 टेन्स आर क्या होता है? 90. 9 इलेवन आर 99. 99 तक पहुंचे, उन्होंने बोला सिर्फ 100 तक लिखना. 100 तो आता नहीं 9 के टेबल में, सिर्फ 99 तक जाएंगे. क्योंकि अगर 9 ट्वेल्व कर देंगे तो वो 99 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 100 से बड़ा हो जाएगा. तो हमें 100 से बड़े की तरफ तो जाना नहीं, उससे पहले पहले के सारे मल्टीपल्स को लिख देना है. अब हम एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. सो आपका एक्सरसाइज 3.1 का होमवर्क लिख दूं मैं. फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इट्स स्टिल एफ. क्वेश्चन नंबर 2 बी एंड सी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4. अब हम एक टेबल फिर से बना रहे हैं. फैक्टर्स सबसे पहले मैं ले रही हूं नंबर 1 ले रही हूं. 1 के बेटे कितने फैक्टर्स होते हैं? खुद ही होता है. तो ए के फैक्टर हो गया. 2 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स. 3 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4 के. 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2. 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4. तो ऐसे हम ये एक टेबल बना लेंगे. इसमें बहुत ध्यान से देखिए, कुछ नंबर्स ऐसे हैं, 1 को आपने इग्नोर कर देना है फिलहाल. मैं बताऊंगी क्यों इग्नोर कर देना है. कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे जिनके फैक्टर्स हर बारी कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं. ये देख रहे हो, इनके फैक्टर्स हर बार 2 ही आ रहे हैं. 7 को भी कर लेते हैं. 8 को करके देखते हैं. 2 इनके फैक्टर्स हरदम सिर्फ 2 ही आ रहे हैं. 2 फैक्टर्स ही इनके पास, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, यही 2 फैक्टर्स हैं इनके पास. तो जो ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनको हम बोलते हैं, इनका एक स्पेशल नाम दे रखा है, प्राइम नंबर्स. तो हमारे पास प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी, जो आपकी बुक के अंदर है, मैं सेम टू सेम वही बता रही हूँ. ये जो बॉक्स है ना, पेज नंबर 51 पे बना हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं. उसी के नीचे डेफिनेशन दे रखी है, द नंबर हुज फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ.
these are called prime numbers. Composite क्या हो जाएगा? The number who has more than two factors, they are called composite numbers. ये डेफिनेशन भी आपके नीचे दे रखी है. नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. मैं लिख ही देती हूं. तो कॉम्पोजिट कौन से हो गए? जैसे कि फोर. इसके एग्जांपल्स दे देते हैं हम. इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कि अपना फोर, जैसे कि सिक्स, जैसे कि एट. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टू, थ्री, फाइव, सेवन. ऐसे आप आगे निकालते जाना, पूरी लिस्ट तैयार कर लेना. और वन के लिए आपको याद रखना है, वन ना तो कॉम्पोजिट होता है ना वो प्राइम नंबर होता है. प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास फैक्टर क्या आ रहा है? एक ही फैक्टर आ रहा है. हमारी तो कंडीशन है कि दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में तो आता नहीं है. कॉम्पोजिट की में आता है, मोर देन टू फैक्टर्स उसमें भी नहीं. बेचारा किसी कैटेगरी में नहीं आता. ध्यान से, ये प्रूफ है अपने पास. हम ऐसे बात नहीं करते, रट्टा नहीं मारना है. वन इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम. नो, हमने उसको पहले प्रूव किया, हमने देखा एक ही फैक्टर आ रहा है. तो अगर एक ही फैक्टर आ रहा है प्राइम, तो हो नहीं सकता ये, ना ये कॉम्पोजिट हो सकता है. तो हमने क्या लिख दिया? वन इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम. और अगर कोई पूछता है आपसे, तो आपको इसका रीजन पता है ऐसे क्यों है. हमने ऐसे ही बोल दिया रट्टा मार के लिखने के लिए. हमने यहां से चेक किया, हमारे पास प्रूफ है हर चीज का. मैथ्स में हम कभी भी चीजों को लर्न नहीं करते, समझ के करते हैं. उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका प्रूफ करते हैं. तो ये आज का आपका हो गया. इसके बाद बेटे आपने एक पेज नंबर 52 पे ना एक टेबल बनाया हुआ है. ये बहुत एक मेथड है, इसको सिव मेथड ऑफ इरेटोस्थीन्स बोलते हैं. इरेटोस्थीन्स एक ग्रीक जो देश था ना, उसके मैथमेटिशियन थे. उन्होंने ये मेथड बनाया था. आप बुक में देखिएगा, ये 1 to 100 तक नंबर लिखे हुए हैं. उसने आपको हर नंबर चेक करना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके दो ही फैक्टर्स हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. तो उनको आपको सर्कल कर लेना, बाकी को क्या कर देना है? क्रॉस कर देना. ये इन्होंने कर रखा है, ध्यान से देखिए. तो ऐसे जब आप करोगे ना, तो आपको 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो मिल जाएंगे. जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये मिलते जा रहे हैं हमें. तो आप इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स को याद, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे कि ये प्राइम नंबर्स है ही हैं. तो ये मेथड है, इसको आपने अपनी बुक में ये टेबल बनाना है. पेज नंबर 52 पे मैं होमवर्क में लिख रही हूँ. पेज नंबर 52 पे जो टेबल है, उसको आपने अपनी बुक में बनाना ही बनाना है. और इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता, तो अपने पास सबसे छोटा कौन सा है? टू. बड़ा निकाल सकते हैं हम? नंबर काउंटिंग ही नहीं कभी खत्म होती, तो बड़ा निकाल ही नहीं सकते हम. और एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, एक और इसमें बहुत अच्छी बात दे रखी है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू इज ऑड. टू को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स निकाल रहे हो, वो सारे क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर्स आ रहे हैं. ऑड और इवन तो पता है ना, जो टू पे डिविजिबल होते हैं वो इवन, और जो नहीं होते वो ऑड. सो वील डू एक्सरसाइज 3.2 इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसको समझना है बेटा. ये बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है, इसमें गेम ही गेम है. स्टार्ट भी हमने गेम से किया, एंड भी मैं आपको गेम ही देके कर रही हूँ कि टेबल बना के उसमें से क्रॉस और सर्कल करना है. सुंदर सा टेबल बनाना है, नीट काम करना है नोटबुक के अंदर. जिनके पास नोटबुक नहीं है, बाजार से खरीदने नहीं जाना, जो पुरानी कॉपीज घर पे पड़ी है उसी में काम करना है. ठीक है? सो स्टे होम एंड स्टे सेफ. हैव अ नाइस डे बच्चों.